प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आज चर्चा में हैं। दो तस्वीर है, चर्चा क्या हो रही है, क्या राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन भर दिया है, पहली बार चुनावी मैदान में है तो सुर्खियां बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर खूब ट्रेंडिंग में है, हर जगह वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देखा जा रहा है। अब वीडियो ट्रेंड हुआ तो वीडियो पर ही राजनीति शुरू हो गई है। जिस वक्त प्रियंका गांधी नामांकन भरने वायनाड के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, पहले प्रियंका गांधी के साथ सामने वाली कुर्सी पर एक तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा थे, दूसरी तरफ बेटा रेहान और पीछे मां सोनिया गांधी बैठी थी। देख लीजिए ध्यान से तस्वीर, इसी तस्वीर में सियासत छिपी हुई है, कहां से किसकी एंट्री हुई है सब कुछ बताएंगे। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के बाहर खड़े थे और दरवाजे से अंदर की तरफ झांक रहे थे। अब इसी वीडियो को लेकर बवाल शुरू हो गया है, बीजेपी कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके, कांग्रेस के, और किसको चिंता हो रही है, भारतीय जनता पार्टी, और आरोप क्या लग रहा है कि दलित का सम्मान ही नहीं कर रही है कांग्रेस। क्या कह रही है बीजेपी पहले सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे। कांग्रेस इस वीडियो पर क्या कह रही है, पहले बीजेपी को सुना दीजिए फिर सबका बयान सुनाएंगे। सुनाइए। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है, जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है। मालिक एक है, मुलाजिम अनेक है, तो जब मालिक एक हो मुलाजिम अनेक हो तो इसी तरह के नजारे आपको दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस मूलतः दलित विरोधी है, मुझे लगता है दलित समाज बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। आप खड़गे जी दरवाजे से झांक रहे थे तो बीजेपी ने मुद्दा बना दिया, दलित अपमान का आरोप लगा दिया, लेकिन कांग्रेस इस आरोप पर बहुत गर्म है, बहुत गुस्से में है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है यह भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए कांग्रेस का पक्ष। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर राजनीति सिर्फ तस्वीरों पर ही नहीं हुई है, प्रियंका गांधी की घोषित संपत्ति को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब खुद प्रियंका गांधी के प्रति पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है। वो बयान भी सुना दीजिए। सुनाइए भाई। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है, 10-11 साल हो गए इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में, और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्जाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी ने जो एफिडेविट दिया जिसके मुताबिक उनके पास 78 करोड़ की चल अचल संपत्ति है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी ने अपनी संपत्ति कम बताई है। शिमला वाले घर पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। 13 नवंबर को चुनाव है, उससे पहले ये राजनीति तो चलती ही रहेगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को सिर्फ वायनाड में नहीं घेरा, सवाल यूपी में भी हो रहा है, उपचुनाव पर भी उठाए हैं सवाल।
चलिए विस्तार से बता देता हूं। आज सुबह अखिलेश यादव ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। यूपी में उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से यूपी के चुनावी रण से बाहर है तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का ये पोस्ट चर्चा में आ गया क्योंकि आपको पता है झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अब तस्वीर वायरल हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और पोस्ट करते हुए लिखा, ठग ने महाठग को ही ठग लिया, ठग ने महाठग को ही ठग लिया। ये दो तस्वीरें आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। तस्वीर बेहद खास थी क्योंकि तस्वीर में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, लेकिन यूपी में शायद इस गठबंधन में हाथ छूटते नजर आ रहे हैं, हाथ छूटते नजर आ रहे हैं। कल रात 11 बजे अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया था कि यूपी के उपचुनाव में एक भी प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इस पोस्ट पर भी राजनीति हुई, सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस और सपा में सब ठीक नहीं है, क्या कांग्रेस नाराज है। तो चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको विस्तार से बता देते हैं। 2 सीट सपा कांग्रेस को दे रही थी लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई। अब उन दोनों सीटों का भी सियासी इतिहास समझ लीजिए, आपको यह भी बता देता हूं। अलीगढ़ की खैर सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जिस पर सपा कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। सही सुना आपने, कभी नहीं। उसके बाद गाजियाबाद सदर सीट पर सपा ने आखिरी बार 2004 में और कांग्रेस ने 2002 में जीत दर्ज की थी, यानी कि 22 साल से कांग्रेस और 20 साल से सपा का इस सीट पर खाता भी नहीं खुला है, इसलिए शायद कांग्रेस ने इन दोनों सीटों को लेने से मना कर दिया। मतलब समझ गए, 9 सीटों में से 7 सीट सपा ने खुद रख लिया और 2 ऐसी सीटें कांग्रेस को दी जहां 2 दशक से ज्यादा समय से इंडिया गठबंधन जीता ही नहीं, बस वो दोनों भी सीट कांग्रेस ने छोड़ दी। यही वजह। अब आपको इंडिया गठबंधन की एक ऐसी तस्वीर और दिखाते हैं जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा, शिवसेना, उद्धव गुट, टीएमसी और लेफ्ट पार्टी एक साथ हैं, लेकिन इन उपचुनावों में ये गठबंधन कैसे बिखरा है ये देखिए। पहली तस्वीर यूपी की जहां सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है, दूसरी तस्वीर बंगाल की जहां बंगाल में 6 की 6 सीटों पर टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को अनदेखा कर सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी है, तीसरी तस्वीर वायनाड की है जहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी और लेफ्ट पार्टी के सत्यन मोकेरी आमने सामने है, और चौथी तस्वीर महाराष्ट्र की है जहां सपा 13 सीटें मांगते रह गई लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक भी सीट नहीं दी। तो ये है इंडिया गठबंधन का हाल, लोकसभा में एक साथ लेकिन जैसे ही विधानसभा और उपचुनाव आए तो सब अपना अपना वोट बैंक बचाने में लग गए। और सबसे दिलचस्प बात तो मध्य प्रदेश से सामने आई है, यहां भी बुधनी सीट पर कांग्रेस और सपा दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और अभी पिछले चुनाव की बात करें तो हरियाणा में भी कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़े और हुआ क्या, बीजेपी ने बाजी मार ली। इंडिया गठबंधन बंधन में क्यों नहीं रह पा रहा है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मुझे श्याम तोमर के पास चलना पड़ेगा। श्याम जी, जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की राजनीति होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर गठबंधन ही खंड खंड हो जाएगा तो ये कैसा गठबंधन है, किस तरह का मेल है कि समय देखकर मौका देखकर आपस में साथ आते हैं और नहीं तो अलग थलग होते हैं। बात बुधनी से करेंगे, शुरुआत कीजिए कि यहां भी तो गड़बड़ ही हुआ है। श्याम जी, देखिए वाकई में कहने को तो 37 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन जब हम इनका देखते हैं उपचुनाव में या प्रदेश स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो खंड खंड हमको दिखाई देती हैं। सबको ये चिंता सताती है कि उनका क्षेत्र बचा रहे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनके पास ऐसा कोई छत्रप नेता ही नहीं है, सर्वान नेता, जो इन सबको साथ में गठबंधन में रख सके, एक सूत्र में बांध सके। इसी वजह से लगातार हमको ये दिखाई दे रहा है कि चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, वहाँ गठबंधन होता है लेकिन जो है साथ में टिक नहीं पाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं जम्मू कश्मीर में भी यही तस्वीर हुई कि वहाँ भी गठबंधन हुआ लेकिन
लेकिन जो है वहां पर सरकार में साथ में नहीं आए। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर तो आपस में बात ही नहीं कही गई ज्ञानेंद्र, और जो है उन्होंने अपना जो उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में त्रिशंकु जैसी स्थिति बन रही है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये संकट की स्थिति है। जिस बुधनी सीट पर कांग्रेस कॉम्पीट करती या जो है एक चुनौती पेश करती, वहां पर अब ये त्रिशंकु वाली जो स्थिति है कहीं ना कहीं चैलेंज की तरह आएगी। तो ये गठबंधन बचा नहीं है, सबको चिंता सता रही, वो खुद का जनाधार तलाश रहे हैं, चिंता सता रही है। और इसको और इसी को कहते हैं कंडीशनल गठबंधन। श्याम जी बहुत शुक्रिया आपका, खबरें और भी है, मुझे आगे जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।